देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मैसूर पाक है जो देखने में कितने सुंदर और खाने में उतने ही स्वादिष्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल khanapina.com। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मैसूर पाक, जो कि हम राधाष्टमी के प्रसाद के लिए तैयार करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं मैसूर पाक बनाना। इसके लिए हमें जो सामग्री की जरूरत है वो इस प्रकार। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक कटोरी बेसन लिया है। इसी कटोरी के माप से हम एक कटोरी चीनी लेंगे और एक कटोरी घी लेंगे और उसी माप से हमें आधी कटोरी तेल लेनी, रिफाइंड तेल लेंगे फ्रेंड्स, और आधी कटोरी हम लोग चीनी की लेंगे। चीनी की एक कटोरी चीनी और उसी माप से हमें आधी कटोरी पानी लेना है चाशनी के। चलिए तो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले हम एक कटोरी लेंगे, बड़ा प्याला, और उसी में हम घी और तेल को मिक्स करके अच्छे से गर्म कर लेंगे। चलिए हम इसमें घी डाल देंगे। अब हम इसमें आधी कटोरी जो हमने तेल ली थी वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इसे गरम कर लेंगे अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, हमने घी और तेल को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से गरम कर लिया है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे नीचे उतार के रख देंगे। फ्रेंड्स, अब हम एक कढ़ाई लेंगे, थोड़ी भारी कढ़ाई लेंगे। उसके बाद हम इसमें एक कटोरी जो हमने बेसन लिया था उसे हल्का सा भून लेंगे फ्रेंड्स। इसे हमारा मैसूर पाक बहुत ही अच्छा बन के तैयार होगा। चलिए इसे हल्का भून लेते हैं। हम इसे ज्यादा रोस्ट नहीं करेंगे फ्रेंड्स। हल्का भूनने से इसके लम्स चले जाएंगे और थोड़ा कच्चापन भी इसका निकल जाएगा और इसे हमारा मैसूर पाक बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा, जो कि हम राधा रानी के भोग के लिए इसे बना रहे हैं। चलिए हल्का सा भून लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेसन हल्का सा रोस्ट हो चुका है। हमें इसे ज्यादा रोस्ट नहीं करना, फ्लेम को बंद कर देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा हो चुका है। हम इसे दूसरे किसी बर्तन में निकाल देंगे और हम अपने चाशनी बनाने की तैयारी करेंगे। इसे इसी कढ़ाई में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो हमारा बेसन ज्यादा सिक जाएगा। बस फ्रेंड्स, हमें इसी प्रकार का बेसन चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे निकाल देंगे, किसी बर्तन में निकाल देंगे। फ्रेंड्स, हमने 3 से 4 मिनट अपने बेसन को रोस्ट कर लिया। बस अब हम इसमें चाशनी की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, मैं उसी कढ़ाई में कर रही हूँ क्योंकि कढ़ाई का मेरी थोड़ी मोटी है, इसमें हमारा मैसूर पाक चिपकेगा नहीं। अब हम इसमें एक कटोरी चीनी डाले है, बस इसी कटोरी के माप से आधी कटोरी हम पानी डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने आधी कटोरी पानी लिया है। अब ये हम इसमें डाल देंगे और इसमें हम कोई चाशनी नहीं करेंगे। हमें एक तार दो तार कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें चीनी को मेल्ट करना है। फ्रेंड्स देखिए, चीनी मेल्ट होने तक हम इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारी चीनी नीचे चिपके ना। हमारी चीनी गलते ही हम अपना दूसरा प्रोसेस शुरू करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे। फ्रेंड्स, पहले हम चाशनी निकाल के पहले अपना घी को फिर से एक बार गर्म कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद हम अपना मैसूर पाक की प्रोसेस शुरू करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम घी को थोड़ा और गर्म कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमने एक बार घी को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब ये घी को एकदम गर्म रहना चाहिए। अब हम अपना अगला स्टेप स्टार्ट कर दें। फ्रेंड्स, हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और चाशनी में हमने जो बेसन को भुना था इसको हम चाशनी में धीरे धीरे डाल देंगे और इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने डाल दिया है सभी को, अच्छे से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को एकदम लो रखेंगे फ्रेंड्स, हमें सभी प्रोसेस में फ्लेम को एकदम लो ही रखना है। इसी से हमारा बेसन पाक अच्छा बन के तैयार होगा। अब हम इसे अच्छे से लम्स नहीं होने चाहिए, हम इसे अच्छी से मिक्स कर लेंगे। अगर फ्रेंड्स आप इसमें कलर डालना चाहें तो हल्की से आप इसमें हल्दी डाल सकते हैं, जिससे कलर थोड़ा येलोइश हो जाएगा। मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमने डाल दिया है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं
घी डाल देंगे फ्रेंड्स, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें घी डालेंगे और इसे अच्छे से मिलाते जाएंगे। फ्लेम को लो ही रखेंगे। जब तक हम इसमें मेरा ये घी इसमें मेल्ट पूरा अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता है, देखिए अभी मेल्ट हो रखा है, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसी के बाद हम दूसरा चम्मच इसमें तेल का डालेंगे। देखिए हमारा जब अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें दोबारा से घी अपना डालेंगे, गरम गरम घी डालेंगे फ्रेंड्स हम इसमें, और इस प्रोसेस को हम करते जाएंगे रिपीट। फिर से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यदि मिक्स हो जाएगा फिर हम दोबारा से इसमें घी डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। चलिए हम इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स हम अच्छे से घी मिक्स हो गया है। अब हम इसे धीरे धीरे करके ऐसे ही इसी प्रोसेस में अपना सारा घी इसमें डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को थोड़ा लो ही रखेंगे। हमें एक चीज का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जो मिक्सचर है ये नीचे तलवे पे कढ़ाई के चिपके ना, इसीलिए हम इसे अच्छे से चलाते हुए फ्लेम को लो रखते हुए इसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसी प्रोसेस में हमने सारा घी डाल लिया। हम एक चम्मच के करीब इसे घी रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स हम आपको दिखाते हैं, हमने एक चम्मच के करीब घी रख लिया है, तो हम लास्ट में यूज में लेंगे। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अब हमें थोड़ा फटाफट सारा प्रोसेस को करना पड़ेगा, वरना हमारा ये मिक्सचर ठंडा होने से सही से सेट नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स सारा घी अब्सॉर्ब हो गया है इसमें। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम इसे मिलाते हुए इसमें जो हमारा बचा हुआ घी है वो हम इसमें डाल लेंगे, और फिर हम इसे एक मोल्ड में या आप किसी प्लेट में छन्नी में किसी में भी आप अच्छे से घी लगा के इसे करेंगे। अब मेरे पास जो घी बचा है हम इसमें सारा डाल देंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स हमने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। आपके पास अगर स्क्वायर टाइप में अगर आपके पास मोल्ड हो तो आप उसमें निकालिए, उसमें अच्छा शेप आएगा। और नीचे में आप घी लगा लें, बटर पेपर लगा लें, आपके पास बटर पेपर तो उसके बाद इसे सेट कर लें, और सेट होने के बाद इसे ठंडा होने के लिए ज्यादा ना छोड़े फ्रेंड्स। 5 मिनट में इसमें हमें एक बार चाकू निकालना पड़ेगा। चाकू से कट करने से फ्रेंड्स इसका शेप आ जाएगा, उसके बाद ये हार्ड होने के बाद ये हमसे कटेगा नहीं, इसलिए मैंने इसे इसमें डाल दिया है। इसमें हम बस चाकू से हल्का हल्का कट कर लेंगे ताकि मेरा शेप अच्छे से बनकर बाहर आए। देखिए फ्रेंड्स मैं इस हिसाब से इसे काट लूंगी, आप जैसा चाहे उसी शेप में काटिए। मैं स्क्वायर शेप में काटने से मैसूर पाक का शेप अच्छा आएगा। देखिए फ्रेंड्स मैंने इस प्रकार से इसे काट लिया। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 2 घंटा। फ्रेंड्स 2 घंटा के बाद हमारा मैसूर पाक तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई कि आप जब इसे मोल्ड में डालेंगे तो इसे अच्छे से प्रेस मत कीजिएगा, बस इसे हल्के हाथ से डालिएगा और इसे वैसे ही छोड़ देगा, तभी हमारा मैसूर पाक का शेप इसमें आएगा, इसमें जाली बैठेगी, इसलिए हम इसे हल्के हाथ से डाल के छोड़ देंगे। अब हम इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, 2 घंटे बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हम इसे कट कर लेते हैं, हमने इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, अब हम इसे कट कर लेंगे। हमने इसे गरम में ही थोड़ा कट कर लिया था, इसे हम आसानी से इसे निकाल पाएंगे। आप इसे स्क्वायर शेप का मोल्ड हो आपके पास तो उसी में आप इसे अच्छे से सेट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स मैं इसे आपको निकाल के दिखा रही हूँ, ये हमारा मैसूर पाक है जो हमने राधा रानी के प्रसाद के लिए इसे तैयार किया है, और ये बहुत ही आसानी से हमने इसे बना के तैयार किया है। देखिए फ्रेंड्स इसे हम राधा रानी के प्रसाद के लिए बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आपको बताते हैं कि हम राधा रानी के प्रसाद में दही अरबी भी आपको बनाना बताएंगे, जो राधा रानी को बहुत ही प्रिय है। फ्रेंड्स मेरी दूसरी वीडियो आप जरूर देखिएगा, जो कि हम राधा रानी का प्रसाद बनाएंगे दही अरबी। देखिए फ्रेंड्स हमारा
हमारे राधा रानी के प्रसाद के लिए मैसूर पाक हमारा एकदम तैयार है। इसे आप राधा अष्टमी पे भोग लगाएं।